जोगिंदरनगर का रोटरी क्लब हमेशा गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, जिसके चलते क्लब ने 500 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ मेजर सर्जरी करवाकर लोगों की सेवा की है। जोगिंदरनगर के इस क्लब का गठन 2015 में हुआ था। अन्नपूर्णा दिवस के साथ जोगिंदरनगर के रोटरी क्लब की कमान अब मेजर ज्ञान बरवाल को सौंपी गई है और सचिव के लिए अमर सिंह जसवाल बनाए गए हैं। पूर्व में रहे क्लब के प्रधान डॉक्टर अनिल चौहान सहित सभी रोटरियंस ने नवनियुक्त प्रधान व सचिव को बधाई दी तथा मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं रोटरी क्लब ने निर्णय लिया कि अन्नपूर्णा दिवस के लिए वे एक हफ्ते यानी 7 जुलाई तक अस्पताल में दाखिल मरीजों के तमीदारों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाएंगे। मैं डॉक्टर अनिल चौहान, पास रोटरी प्रेसिडेंट जोगिंदरनगर क्लब। मैं रोटरी क्लब जोगिंदरनगर ने जो पिछले अपने कार्यकाल में जो कार्य किए उनके बारे में थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमने रोटरी द्वारा जो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पूरे रोटरी ईयर में हमें करने होते हैं, वो हमने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। जैसे 1 जुलाई से हमारा पहला सिग्नेचर जो प्रोजेक्ट होता है वो अन्नपूर्णा डे के रूप में मनाया जाता है। उसमें हम जो बेसहारा या कोई गरीब आदमियों को हम अन्न का दान करते हैं। उसके साथ साथ हर महीने कोई ना कोई हमारा प्रोजेक्ट चलता रहता है। उसके बाद जैसे ट्री प्लांटेशन होती है, बरसात के दिनों में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। उसके बाद हम सीनियर सिटीजन्स को जो हमारे इलाके के जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मानित करते हैं। हमारे इलाके के जो अच्छे टीचर्स हैं जिनका शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया होता है उनको भी हम सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स करते हैं। प्रेसिडेंट रोटरी क्लब जोगिंदरनगर 2020-21 के लिए नियुक्त हुआ हूँ। हमारे जो एक साल के प्रोजेक्ट होते हैं वो पहले ही हम जो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने इस साल के लिए 16 प्रोजेक्ट जो है अपने नियुक्त किए चुने हुए हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट जो है आज से ही शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, वो अन्नपूर्णा डे के रूप में मनाया जाएगा। और उसका आज हम जो है सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर में जितने भी पेशेंट्स के केयर टेकर हैं उनको जो है शाम का खाना रोटरी क्लब की तरफ से खाना। उसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं वो ट्री प्लांटेशन क्लब होगा, उसके बाद हेल्थ चेकअप कैंप होता है, उसके बाद जो है हम ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं एंड इसी तरह के और जो है जैसे आई टेस्टिंग का है, दूसरे मेडिकल से संबंधित है। और इसके साथ ही हमारा वॉश वाटर सैनिटाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं, रेन हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि कोविड-19 की सिचुएशन क्या रहेगी और हम कितना की उनको परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम जो हैं लिटरेसी में भी हम कार्य कर रहे हैं। लिटरेसी में हमने पिछले जो हमारे 2 साल पहले ही हमारे 2 स्कूलों में अपने ई लर्निंग लैब लगा रखे हैं। उसी तरह आने वाले समय में भी हम ऐसे प्रोजेक्ट हैं उसके पाइपलाइन में, पर डिपेंड करता है कि अब कहां तक सफल हो पाएंगे, डिपेंड सारा कोविड-19 के ऊपर करता है। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।